हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 5 शेप्स एंड डिजाइन्स द 7 पीस स्टेनाग्राम। बच्चों, आगे हमने 5 पीसेस स्टेनाग्राम देखा था। ये 5 पीसेस स्टेनाग्राम है, अब हम 7 पीस स्टेनाग्राम देखेंगे। हियर इज द पिक्चर ऑफ अ 7 पीस स्टेनाग्राम। देखो ये 7 पीस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यू कैन कट आउट दिस पीसेस एंड पुट देम टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स। बच्चों, ऐसा ही पीछे 7 पीसेस टेनाग्राम दिया होगा, आप वहाँ से इसे कट करके उसे डिफरेंट वे में अरेंज करके इंटरेस्टिंग शेप ही वो बना सकते हो। ट्राई मेकिंग दिस शेप। बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिए हैं, आप उसे 7 पीस टेनाग्राम की मदद से बना सकते हो और उसे आपको ट्राई करना है। नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीसेस रिटन हियर। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिए हैं, उसे बनाना है, पर जो हिंट दी है उसके हिसाब से ही उसे बनाना है। नंबर वन, यूज ओनली ट्राइंगल्स। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सिर्फ ट्राइंगल का ही यूज करना है और ये शेप है वो कंप्लीट करना है। देखो बच्चों, यहाँ से लेके ये स्ट्रेट लाइन हम पहले एक यहाँ पे बनाएंगे, ये हुआ ट्राइंगल। फिर अब इस तरफ भी वैसा ही ट्राइंगल बनाएंगे। फिर यहाँ पे बीच में वहां पर भी ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ से ऐसे आप बीच में करोगे तो फिर से ट्रायंगल बन जाएगा। देखो बच्चों, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, यहाँ पर भी, यहाँ 7 पीस टेनाग्राम में नंबर 1 पे ये वाला, नंबर 7, फिर 6, फिर 3 और यहाँ पे 5। ये नंबर है उसमें ट्रायंगल दिया है जिसकी मदद से हमने यहाँ पे ये शेप है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट, 2, यूज पीसीस 1, 2, 3 एंड 5। कौन सा नंबर का पीस यूज करना है? 1, 2, 3 और 5 का यूज करना है, ये वाला पिक्चर है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक बनाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, वहाँ पे 2 नंबर का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ से इसे ये ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे 1 नंबर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे 5। आ गया 1 तो यहाँ पर भी 1, 2 यहाँ पर भी 2, ये 3 यहाँ पर भी 3 और ये 5 तो यहाँ पर भी 5। नेक्स्ट, नंबर 3, यूज़ ओनली 2 ट्राइंगल्स। सिर्फ 2 ट्राइंगल्स का यूज़ करना है और ये वन शेप है वो कंप्लीट करना है, इसे बनाना है। अब बीच में से इसे कट करोगे, एक तरफ 7 और एक तरफ 6, तो 2 ट्राइंगल की मदद से ये शेप है वो बन जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 4, यूज पीसेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या यूज करना है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इसे बीच में से कट करेंगे, आधे तक लेके जाएंगे, यहाँ से भी इसे ऐसे बीच में से कट करेंगे और आधे तक, ये हमारा नंबर 1। फिर यहाँ पे ऐसे करके ये नंबर 3, यहाँ से इसे ऐसे करोगे नंबर 4, यहाँ से इसे ऐसे करोगे नंबर 2 और यहाँ पे नंबर 5। ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, सारे नंबर जो बोले थे वही भी इसका यूज करके ये शेप है हमने कंप्लीट किया। बच्चों, ये सारे शेप किसकी मदद से कंप्लीट किए हमने? 7 पीस टेनाग्राम में से डिफरेंट पीस का यूज करके कंप्लीट किया है। नेक्स्ट, वीविंग पैटर्न्स। अंकित एंड सोनू वेंट टू द मार्केट विथ देयर आंट, दे शो मैनी रग्स, यानी कि ट्यूरिस्ट। देखो यहाँ पे ये अंकित है और ये सोनू है, वो अपनी आंट के साथ मार्केट में गए थे
और उसने डिफरेंट पैटर्न्स देखे, वाओ सो मेनी कलर्स। अंकित क्या कहता है, यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर्स यूज हुए हैं, सो मेनी शेप्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सीधे पैटर्न्स। फिर सोनू है वो क्या कहती है, बहुत सारे शेप्स है, सर्कल भी है, ट्राइंगल भी है, देखो यहाँ पे ये सर्कल है, फिर ट्राइंगल्स भी है, ऐसा सोनू ने बताया है। और बहुत सारे पैटर्न्स है, देखो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स है, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल जैसा ही होगा ना, इसमें भी यहाँ पे ट्राइंगल यूज हुआ है, ठीक है। चलो, विच जियोमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, आप कौन से जियोमेट्रिकल शेप्स ही वो यहाँ पे देख सकते हो। द जियोमेट्रिकल शेप्स यूज इन दीज बॉर्डर्स आर शोन बिलो, जैसे कि आर्क, ये आर्क यूज हुआ है फर्स्ट वाले में, देखो यहाँ पे यानी कि आर्क। फिर देखो यहाँ पे इसमें बहुत सारे और भी शेप्स हैं, है ना। फिर ये है सर्कल, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कल, आर्क के बाद क्या है, सर्कल, आर्क, सर्कल, फिर कॉन्सेंट्रेटिंग सर्कल, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखो, है ना। ये ऐसे दिया है ना डिफरेंस, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटिंग सर्कल। फिर क्या है, स्क्वेयर, स्क्वेयर का यूज भी हुआ है यहाँ पे, देखो ये स्क्वेयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वेयर। फिर किसका यूज हुआ है बच्चों, हेक्सागोन, देखो यहाँ पर भी हेक्सागोन है और यहाँ पर भी हेक्सागोन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सागोन, है ना, यहाँ पे हेक्सागोन, हेक्सागोन। फिर किसका यूज हुआ है, पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेललोग्राम। देखो बच्चों बहुत सारे शेप्स हैं, जैसे कि आर्क, सर्कल, कॉन्क्रेटिंग सर्कल, स्क्वेयर, हेक्सागोन और पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वन, कोई शेप है वो रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो कौन सी पैटर्न में है? देखो फर्स्ट पैटर्न में आर्क, फिर पैरेललोग्राम और कॉन्सेंट्रेटिंग सर्कल है, ये रिपीट हो रहा है ये फर्स्ट पैटर्न में। फिर अब हम सेकंड पैटर्न देखो, ये वाले सेकंड पैटर्न में ये स्क्वेयर और हेक्सागोन रिपीट हो रहे हैं, ये थर्ड पैटर्न है, थर्ड पैटर्न में कॉन्सेंट्रेटिंग सर्कल और हेक्सागोन है वो रिपीट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे नंबर फोर्थ पैटर्न में सर्कल ट्राइंगल जैसा यानी कि थ्री हैंड शेप है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व्ड लाइंस, सेकंड स्ट्रेट लाइंस, या फिर थर्ड बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन। बच्चों इसमें सिर्फ कर्व्ड लाइन का ही यूज हुआ है, नहीं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है, नहीं, या फिर दोनों, दोनों का हुआ ना, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस। देखो ये स्ट्रेट लाइंस है और ये कर्व्ड लाइंस है, हर एक पैटर्न में स्ट्रेट और कर्व लाइन ही दोनों यूज हुई है। नेक्स्ट, लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर सारी, सॉल्स, रॉक्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। क्या करना है आपको, क्लोथ से उसे देखना है, आपकी मम्मा की साड़ी है, फिर शॉल है, फिर कोई और मैट्स है, या फिर
कर्टेन से, उसमें आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देंगे, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ हम कर सकते हैं, तो उसे हमें बुक में ड्रॉ करना है। आपको ये अपनी बुक में आपके घर पे जो पैटर्न है वो ड्रॉ करके रखनी है, अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न है, साड़ी में से, शॉल में से, ड्रेस में से, जहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई दे वहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू।